सब्सक्राइब करें कैसीना मैथ सॉल्यूशन क्लास 12 चैनल को एंड प्रेस बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम चैप्टर 19 इंडिफिनिट इंटीग्रल्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में हम 1 से लेकर 11 तक सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, देखिए कैसा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस का, इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखते हैं कैसे कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमने क्या किया, डिनोमिनेटर जो है उसको जेड मान लिया। देखिए जेड माना है, देन इसका डिफ्रेंशिएशन किया। तो ये किस प्रकार का ए एक्स है, एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ए एक्स इंटू लॉग ए। तो ए एक्स इंटू लॉग ए लिख दिया और टेन को ए मान लीजिए और एक्स। तो ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए एक्स इंटू लॉग ए। तो ए एक्स इंटू लॉग ए, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा टेन इंटू एक्स, एक्स का पावर 9 डी एक्स। ठीक है, इसका डिजिट हो गया। नाउ देखिए टेन इंटू एक्स का पावर 9, इसको पहले लिख दिए और इसको पीछे। तो इंटू टेन का पावर एक्स इंटू लॉग 10 डी एक्स इज इक्वल टू डिजिट। ठीक है, यानी डिनोमिनेटर जो है आपका, ये नोमिनेटर सॉरी नोमिनेटर जो है वो डिजिट के बराबर है। ठीक है ना। नाउ इंटीग्रेशन आई इक्वल कितना, देखिए ऊपर वाला क्या हो जाएगा, डिजिट के बराबर हो जाएगा। देखिए डिजिट लिख दिया और नीचे वाला जेड माना है तो जेड लिख दिया। नाउ इसका 1 अपॉन जेड का इंटीग्रेशन लॉग जेड हो जाएगा और प्लस सी, आप जेड का वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन आई इक्वल टू हो जाएगा लॉग और जेड इज इक्वल टू 10 का पावर एक्स प्लस एक्स का पावर 10 प्लस सी। ठीक है, यह आपका आंसर हो गया फर्स्ट का। और इसमें आप देख सकते हैं कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन का डी जो है सही है, ऑप्शन नंबर डी होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ये। इस पर क्वेश्चन पहले भी हमने सॉल्व कर चुका है, वेरी शॉर्ट को टाइप क्वेश्चन में है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 सेम है, हम इसे यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 वेरी शॉर्ट टाइप का। देखिए गिवन है इतना, हमने क्या किया है, देखिए आगे 1 कोसाइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसाइन स्क्वायर लिख दिया इज इक्वल टू 1 होता है तो 1 लिख, इतना लिख दिया 1 के बदले, और साइन 2x को 2 साइन एक्स इंटू कोसेक्स एक्स लिख दिया ना। अब देखिए साइन एक्स प्लस कोसेक्स ऊपर जो नोमिनेटर उसको लिख दिया और अंडर रूट है ये है ना, तो ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर रूट जो है कैंसिल कर देगा तो बचेगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स बचेगा। अब देखिए दोनों इक्वल है तो कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ डी एक्स। देखिए डी एक्स लिखे हैं, इसका इंटीग्रेशन जानते हैं एक्स प्लस सी अब आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है यू इंटू बी। ऐसे देखने में लग रहा है कि यू इंटू बी पे होगा लेकिन ये यू इंटू बी पे नहीं होगा। देखिए गिवन है आई इंटीग्रेशन आई इक्वल इतना, हम क्या करते हैं कि एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकते हैं और इसको पर लिख दिया है और एक्स क्यूब पीछे, तो एक्स क्यूब को हम एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकते हैं तो एक्स क्यूब हो जाएगा। नाउ अब हम क्या किए, एक्स स्क्वायर को जेड मान लिए। देखिए ई का पावर जो है ना उसको हम एक्स एक्स स्क्वायर को जेड माना है, देन इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा टू एक्स डी एक्स और इसका हो जाएगा डिजिट। तो टू को इससे आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इससे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा डिजिट, यानी 1/2 डिजिट। ठीक है, इतना समझ गए। अब ना इंटीग्रेशन पर आइए, इसको तो हम क्या माने, इसको जेड माने तो ई का पावर जेड लिख दिया देखिए और एक्स स्क्वायर को जेड जेड माने हैं और एक्स डी एक्स इजिकल टू क्या है बचा आपका ये, तो एक्स डी एक्स इजिकल टू 1/2 डिजिट, 1/2 डिजिट लिख दिए। अब 1/2 आपका कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, तो इंटीग्रेशन ई का पावर जेड इंटू जेड। ठीक है, तो ई का पावर जेड इंटू जेड डिजिट हो जाएगा। नाउ अब देखिए यू इंटू भी फॉर्मूला पे आ गया है, ये है आपका एलजेब्रिक और ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आप जानते हैं आईलेट वर्ड क्या होता है, ILATE, ई जो है एक्सपोनेंशियल को भी मानेंगे और ई क्योंकि पीछे आ रहा है आईलेट वर्ड में और जेड यानी एलजेब्रिक फर्स्ट में आ रहा है पहले। ठीक है, तो जेड को यू और ई जेड को भी, तो जेड को कॉन्स्टेंट रखे इसको इंटीग्रेट किए, तो इसका इंटीग्रेशन तो यही रह जाएगा तो डायरेक्ट इसको लिख दिया माइनस इंटीग्रेशन फॉर इसका जेड का डिफ्रेंशिएशन और सेकंड यानी इसका इंटीग्रेशन, देखिए लिखे हैं डी जेड। नाउ दोनों का प्रोडक्ट जेड ही जेड, इसका देखिए इंटीग्रेशन कीजिएगा तो फिर ई जेड ही आ जाएगा, फिर इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो ई जेड ही आएगा, तो डायरेक्ट ई जेड आ जाएगा बाहर, क्लोज इंटीग्रेशन खत्म। नाउ अब देखिए इन दोनों में से हम क्या करते हैं, ई का पावर जेड कॉमन कर लिए,
यहाँ बचा जेड और यहाँ बचा माइनस वन, ठीक है, प्लस ए। तो अब हम क्या करते हैं, जेड का वैल्यू रख देते हैं, देखिए रखते हैं 1/2 ई का पावर जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर रख दिया है, जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस ए, अब कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यह है ऑप्शन नंबर 3 का, कौन सा आपका, सी, 3 का सी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है फ्रेंड्स, ये आपके नहीं देना चाहिए था, ये वो, ये जो क्वेश्चन है आपके आईआईटी लेवल का है, ठीक है, ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, देखिए बताते हैं, फिर भी आपको सिंपली मैं गिवन इंटीग्रेशन आई इक्वल टू इतना एल एन एक्स मतलब लॉग एक्स, ठीक है, ये है डिफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, देखिए ई है और लो अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लॉ ई देखिए हम सॉल्व कर सके हैं, क्या किया है, ए जो है ना इसको ए इज इक्वल टू मान लिया है ई का पावर लॉग ए, तो आपको फॉर्मूला याद होगा ए इज इक्वल टू इतना हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, देखिए क्योंकि ई का पावर लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स, अगर आप यहाँ पर ए ट्रिप करते हैं, ठीक है, ई ई है और यहाँ पर अगर ए मान लेते हैं तो ई का पावर लॉग ए इज इक्वल टू ए हो जाएगा, अगर ई का पावर लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स है तो ई का पावर लॉग ए इज इक्वल टू ए नहीं होगा, इस हिसाब से ए इज इक्वल टू ए, यानी ए को इस रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ए का वैल्यू जो है इतना इसमें हम पुट करते हैं, ठीक है, यानी यानी यहाँ पे इसको हम ए वाला लिख देते हैं, ए के स्थान पे इसको लिखेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए वी गेट इंटीग्रेशन आई इक्वल टू इतना आपका दिया हुआ है, देखिए ए के जगह पे हमने रखा है इसको ई लॉग ए, ठीक है, तो ए ही हो जाएगा इनटू पावर क्या है लॉग एक्स, तो लॉग एक्स लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, लॉग एक्स को इसको पहले लिखते हैं और इसको पीछे लिखेंगे, देखिए लॉग एक्स को पहले लिख दिए और लॉग ए को पीछे लिखे हैं, ठीक है, बाकी और जो है वैसे उतरता चला गया है। अब देखिए ई लॉग एक्स यहाँ से यहाँ तक, देखिए इसको यहाँ क्या हो जाएगा, इस यहाँ पे हो जाता है इसका लॉग एक्स, ई लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, तो एक्स लिख दिया हमने और पावर में क्या बचा है लॉग ए, ठीक है, डी एक्स। नाउ ये तो हो गया आपका इंटीग्रेशन, अब इसका करते हैं, ठीक है, इसको हम लॉग ए को एन मान लेते हैं, तो एक्स का पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स एक्स का पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है, तो उसी फॉर्मूला पे इसको इंटीग्रेट कर दिया, देखिए एक्स का पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है, पूर्ण रख दिया। अब देखिए एक्स का पावर लॉग ए प्लस वन, तो एक्स यहाँ पे प्लस वन का मतलब क्या है कि एक्स मल्टीप्लाई में है, यहाँ प्लस हट जाएगा तो एक्स आ जाएगा ऐसे, यहाँ पे आप इसका पावर समझ रहे हैं ना, इसका वन पावर है, तो एक्स इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स का पावर लॉग ए प्लस वन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो अपर लिमिट रख के लोअर लिमिट फिर रखेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए अपर लिमिट रख रहे हैं, अपर लिमिट एक्स की जगह पर हम ई रखेंगे, ई रखें तो ई लॉग ए और ई इंटू एक्स है, तो ई एक्स की जगह ई रखना है अपॉन लॉग ए प्लस वन, यहाँ तो एक्स है नहीं तो वही उतर जाएगा, इसमें क्या रखना है वन, एक्स की जगह पर वन, तो वन रख दिए हैं एक्स की जगह पर वन, लॉग ए एक्स की जगह पर वन अपॉन लॉग ए प्लस वन, ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है, देखिए ये हो जाएगा एलसीएम, ई लॉग ए इक्वल टू ए बचेगा, ठीक है, यहाँ पे ए ए छूट रहा है, ए छूट रहा है, देखिए तो ए हो जाएगा, ठीक है, और इसका तो पहले वन का कुछ भी पावर हो तो वन हो जाता है इंटू वन, तो वन रहेगा, तो देखिए वन लिख दिए हैं अपॉन लॉग ए प्लस वन, यानी ए आपका आंसर हो गया। देखिए ये ऑप्शन में कोई है, ऐसा ऑप्शन में कोई नहीं है, तो डी ऑप्शन होगा, नन ऑफ दिस, ठीक है, आपका ये आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, क्वेश्चन फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स अपॉन ई का पावर 2x+1 डी एक्स, देन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर फंक्शन इस प्रकार से है तो आपका फंक्शन क्या है इसको मालूम करना है, तो गिवेन है फंक्शन इतना, तो हमने क्या किया ई का पावर एक्स जो है उसको जेड मान लिया, देन इसका डिफ्रेंसिएशन किया, तो ई का पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड हो जाएगा, क्योंकि ई एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है ई एक्स से होता है,
तो ए एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड। नाउ फंक्शन पे आते हैं, फंक्शन आपका एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, इतना दिया है तो लिख दिए हैं। देखिए ई डी एक्स, ई डी एक्स इज इक्वल टू क्या, ई का पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। तो इसके ऊपर जो न्यूमरेटर है इसके जगह पे हम डी जेड लिख सकते हैं, और ई का पावर टू एक्स है यानी जेड स्क्वायर, ए एक्स इज इक्वल टू जेड, तो यहाँ टू का है ना होल स्क्वायर है इसका, तो जेड स्क्वायर हो जाएगा प्लस वन। नाउ अब देखिए ये आपका इंटीग्रैंड जो है किस फॉर्मूला पे आ गया है, वन अपॉन जेड एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स जेड। ठीक है, फंक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स जेड प्लस सी। अब जेड का जो वैल्यू उसको पुट कर दीजिए, टेन इनवर्स ए का पावर एक्स प्लस सी, कैंसिल, तो आपका फाइव का है उस फाइव का बी ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स से देखिए, तो हमने ऐसा लिख दिया, अब हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में रूट टू से मल्टीप्लाई किया तो रूट टू से डिवाइड दिया। देखिए यहाँ जो है वन अपॉन रूट टू से मल्टीप्लाई किए हैं दोनों में, तो या फिर ये हटाने के लिए रूट टू से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना, अगर रूट टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कट जाएगा या भी कट जाएगा, तो बचेगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स, यानी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये कॉन्स्टेंट है तो आपका बाहर चला जाएगा ये, और ये वन अपॉन रूट टू कॉस 45 और वन अपॉन रूट टू साइन 45 ऐसे लिख सकते हैं हम। नाउ देखिए इसको ऐसे लिखते हैं, नाउ वन बाई टू रूट टू जो था कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ गया, ये जो हो जाएगा आपका साइन एक्स, और यह था क्या आपका यहाँ पे था वन अपॉन रूट टू, तो जो कि होता है कॉस फाइव बाई फोर का इक्वल होता है, और कॉस एक्स इंटू वन अपॉन रूट टू इज इक्वल टू साइन फाइव बाई फोर, यानी वन अपॉन रूट टू के बदले हम साइन फाइव बाई फोर 45 लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपका किस फॉर्मूला पे है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, है ना, तो साइन इसका क्या होता है साइन ए प्लस बी, समझ गए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का होता है। तो देखिए साइन ए प्लस बी लिख दिया हमने, इसके बदले ये होता है। ठीक, अब देखिए वन अपॉन साइन एक्स है, इसको एक्स मान लीजिए, तो वन अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है कोसेक एक्स, तो एक्स के बदले ये लिख दिया हमने क्योंकि इतना है। ठीक है, अब कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, लॉग टेन एक्स बाई टू होता है। ठीक है, तो अब हम पुट करते हैं, तो वन बाई टू तो आपका कॉन्स्टेंट है, और लॉग टेन एक्स बाई टू, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू क्या है, इतना आपको माना है तो इसका टू एक्स बाई टू, देखिए एक्स इसको माना है तो एक्स बाई टू, लॉग टेन एक्स बाई टू, तो एक्स इज इक्वल टू ये है तो बाई टू प्लस सी लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, टू से इसमें डिवाइड देते हैं और इसमें डिवाइड देते हैं, तो वन अपॉन रूट टू लॉग टेन इसे में डिवाइड देंगे तो एक्स बाई टू हो जाएगा, और प्लस एक्स बाई पाई बाई एट हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, समझ गए, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग टेन एक्स बाई टू, इसी फॉर्मूला पे यूज करके इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन है कॉस रूट एक्स डी एक्स इक्वल्स, यानी ये आपका इक्वल होता है किसके इक्वल होता है, तो देखते हैं गिवन है इंटीग्रेशन है इक्वल इतना, तो हमने क्या किया रूट एक्स को जेड मान लिया, ये जेड के बराबर है, देन इसका डिफ्रेंसिएशन क्या, तो इसका डिफ्रेंसिएशन आपने बहुत बार किया है तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा वन अपॉन टू रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंसिएशन डी जेड, तो रूट एक्स को हमने क्या माना जेड, तो इसको भी हम जेड लिख सकते हैं यहाँ पे, तो टू जेड हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। ठीक है, तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, तो डिवाइड में तीधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो टू जेड डी जेड इज इक्वल टू डी एक्स, या डी एक्स इज इक्वल टू टू जेड डी जेड। ठीक है, नाउ अब इंटीग्रेशन पर आइए, कॉस रूट एक्स रूट एक्स को तो जेड, तो कॉस जेड हो जाएगा, और डी एक्स इज इक्वल टू क्या टू जेड डी जेड, तो टू जेड डी जेड लिख दिया। अब टू कॉन्स्टेंट है तो बाहर, अब बचा आपका जेड इंटू कॉस जेड डी जेड, यानी यू इंटू वी पे फॉर्मूला पे। अब देखिए ये अल्जेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आई एल ए टी यानी अल्जेब्रिक पहले आता है ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में, तो जेड को हम यू मानेंगे और कॉस जेड को वी। देखिए यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी,
यानी यू का डिफ्रेंसिएशन इनटू प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ भी लिख दिए डिजिट, समझ गए। पहले पार्ट को वैसे ही रखती है रखते हैं और सेकेंड पार्ट को इंटीग्रेट करते हैं, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट पार्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं और सेकंड पार्ट को इंटीग्रेट करते हैं और फिर दोनों का फिर से इंटीग्रेट जो मल्टीप्लाई करने पे आता है जो फिर से उसको एक बार इंटीग्रेट कर देते हैं, उस फॉर्मूला पे आपको पुट कर दिए, ठीक है। तो देखिए कॉस जेड का इंटीग्रेशन तो साइन जेड हो जाएगा, ठीक है, एस का वन और कॉस जेड का इंटीग्रेशन साइन जेड, तो वन इंटू साइन जेड इज इक्वल टू साइन जेड हो जाएगा डी जेड। नाउ आगे इसको जेड इज इक्वल टू क्या है रूट जेड, तो रूट एक्स लिख दिए और ये साइन रूट एक्स हो जाएगा और इसका साइन जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस जेड, साइन जेड का इंटीग्रेशन माइनस कॉस जेड, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस कॉस जेड, जेड इज इक्वल टू क्या रूट एक्स, तो कॉस रूट एक्स लिख दिए प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। 7 का डी ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी आप इस क्वेश्चन को बहुत सॉल्व कर चुके हैं एक्सरसाइज 19.14 में। देखिए ये टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन है, गिवन है इंटीग्रेशन आई इक्वल टू इतना, तो इसको टेन एक्स को साइन ऑफ कॉस में चेंज किए हम, देखिए फिर इसको एलसीएम लिए, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, अगर ऊपर चला जाएगा तो कॉस एक्स डीएक्स हो जाएगा, ये कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, डिनोमिनेटर नोमिनेटर इतना डिनोमिनेटर इतना, तो आप जानते हैं कि इस पर अगर जब फॉर्म हो क्वेश्चन का तो इस पर से यूज किया जाता है, ठीक है। तो कॉस एक्स इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर, अब इस पर क्वेश्चन को ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, और हाँ फ्रेंड्स अगर आप भी मेरी तरह दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं तो वीडियो को जोर से शेयर करें। तो आगे देखते हैं कॉस एक्स इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, देखिए ए बी लिए हैं इंटू, देखिए ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। नाउ कॉस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू इतना डिनोमिनेटर प्लस बी, यानी इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स इतना, तो कॉस एक्स अब देखिए ए और बी से इन दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा ए कॉस एक्स ए साइन एक्स माइनस बी साइन एक्स और प्लस बी कॉस एक्स इतना हो जाएगा। अब साइन एक्स और कॉस एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसको हम कॉमन करते हैं, तो कॉस एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, ये यहाँ पे ए है और बी है, तो ए प्लस बी इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स का कोएफिशिएंट ए माइनस बी साइन एक्स इतना, ठीक है। नाउ इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स, अब साइन एक्स और कॉस एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसको इक्वेट करते हैं, तब देखिए क्या मिलता है आपका ए प्लस बी कॉस एक्स का कोएफिशिएंट क्या है वन, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू वन, ठीक है। साइन एक्स तो इधर है नहीं, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यानी ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा यहाँ से, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू वन, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू वन ए है, तो बी की जगह पे ए लिख सकते हैं, तो लिख दिए ये हो जाएगा टू ए इज इक्वल टू वन, तो ए इज इक्वल टू वन बाई टू, क्योंकि ए इज इक्वल टू बी तो बी भी वैल्यू हो जाएगा वन बाई टू, क्योंकि ए इज इक्वल टू वन बाई टू, ठीक है। नाउ इंटीग्रेशन पे आइए, या फिर ये इंटीग्रेशन है तो कॉस एक्स की जगह पे हम ये लिख सकते हैं ये वाला पार्ट, ये वाला कॉस एक्स इज इक्वल टू दिस, देखिए उसी को किए हैं वाला लिख दिए हैं अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। अब डिनोमिनेटर से एक बार इसमें और इसमें डिवाइड देंगे और अलग इंटीग्रेट कर दिए हैं, तो देखिए इसमें डिवाइड दिए हैं और एक बार इसमें, और ए अभी कॉन्स्टेंट था तो बाहर आ गया, देखिए ए इक्वल टू ए तो कट जाएगा आपका क्योंकि इक्वल है, बचेगा डी एक्स, तो डी एक्स और बी अगर आप इसको जेड मानते हैं तो ऊपर जो है डिजिट के बराबर हो जाएगा, देखिए जेड माने उसको तो ये ऊपर डिजिट के बराबर हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू वन बाई टू, इसका इंटीग्रेशन डी एक्स का एक्स, इसका बी का वैल्यू वन बाई टू, इसका इंटीग्रेशन वन अपॉन जेड का इंटीग्रेशन लॉग जेड प्लस सी, ठीक है। एक्स बाई टू प्लस वन बाई टू लॉग जेड, जेड इज इक्वल टू क्या है, जेड किसको माना है, इसी को ना, तो जेड कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, ठीक है, इसको जेड माना गया है तो जेड यहाँ पर पुट कर दिया इसका प्लस सी, आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर ये है आपका ई का पावर टेन इनवर्स एक्स इंटू वन प्लस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का डी एक्स इज इक्वल टू, यानी फंक्शन किसके बराबर है, तो देखिए गिवन इंटीग्रेशन आई इक्वल टू इतना दिया है, हमने किया क्या है इसका एलसीएम ले लिया इसमें, तो इसका हो गया वन प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए एलसीएम वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन
वन प्लस एक्स स्क्वायर इतना हो जाएगा एलसीएम इसका, डी एक्स नाम आगे देखें, यानी इंटीग्रेशन है इक्वल टू इतना, इक्वल टू इतना, यानी एक्स स्क्वायर इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, इसको आगे पीछे लिख देते हैं, देखिए लिख दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। नाउ क्या किया हमने कि टेन इनवर्स एक्स को जेड मान लिया है, देन इसका डिफ्रेंशिएशन किया है, टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और जेड का डिफ्रेंशिएशन डी जेड, ठीक है। तो अब देखिए टेन इनवर्स इस साइड आएगा आर एच एस योर साइड, तो क्या रहेगा टेन जेड हो जाएगा, बचेगा आपका एक्स, यानी एक्स इज इक्वल टू टेन जेड हो जाएगा, ठीक है। नाउ इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, देखिए आई इज इक्वल टू ई का पावर जेड, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आई ई टेन इनवर्स एक्स क्या माना जेड, ई का पावर जेड हो जाएगा। अब देखिए जेड इज इक्वल एक्स इज इक्वल टू क्या टेन जेड, एक्स स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर जेड हो जाएगा, ठीक है ना। अब प्लस वन प्लस एक्स, एक्स इज इक्वल टू क्या टेन जेड, तो टेन जेड लिख दिया, और डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, डी एक्स अपॉन वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी जेड, तो डी जेड पुट कर दिया, यानी इसके जगह इन दोनों की जगह पे डी जेड आ गया, ठीक है। नाउ देखिए टेन स्क्वायर जेड प्लस वन इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर जेड, और ये टेन जेड को पहले लिख दिया, ये सेक स्क्वायर जेड हो गया। अब देख रहे हैं क्या आपका कि ई का पावर जेड इंटू फंक्शन, ये कब का फंक्शन है तो दूसरा क्या है इसका डेरिवेटिव है, ठीक है। तो इसका डाप जानते हैं डायरेक्ट, इसका क्या इंटीग्रेशन होता है कि ई एक्स इंटू फंक्शन एफ एक्स, बहुत बार फॉर्मूला मैंने बता चुका है, तो ई का पावर जेड टेन जेड हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन एफ एक्स अपना यही ना है, तो प्लस ए अपडेट का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ई का पावर जेड इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, तो टेन एक्स पुट कीजिए इतना जेड का वैल्यू, ये टेन जेड इज इक्वल टू क्या एक्स, तो एक्स लिख दिया मल्टीप्लाई में प्लस सी, ठीक है। तो एक्स को पहले लिख दिया और इसको पीछे प्लस सी आंसर। क्वेश्चन नंबर टेन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर इतना है आपका, इसको ऐसे है ना लिखा हुआ, तो हम क्या करते हैं देखिए ई एक्स को इसको आगे कर देते हैं और इसको पीछे, और इसमें हम प्लस वन ऐड किए हैं और माइनस वन कर दिया है, जितना ऐड किया उतना घटा दिया, ठीक है। तो इसमें कोई चेंज नहीं किया डी एक्स। अब हम क्या करें, डिनोमिनेटर से एक बार एक्स प्लस वन में डिवाइड दिए हैं, एक बार माइनस वन में, देखिए ई एक्स ब्रैकेट यूज किए हैं एक्स प्लस वन अपॉन, एंड डिनोमिनेटर से इस दोनों में एक बार इसमें, ठीक है, एक बार इसमें माइनस वन में डिवाइड दिए, देखिए दिए हैं, ठीक है, ठीक है, एक बार इसमें डिवाइड दिए, एक बार इसमें, देखिए दोनों में अलग सेपरेट कर लिए हैं। अब देखिए ये स्क्वायर एक बार कट जाएगा तो बचेगा आपका ये, तो कट जाएगा, ठीक है, तो बचेगा वन अपॉन वन प्लस एक्स, और ये तो वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। अब देख रहे हैं आप क्या, ये फंक्शन जो है इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है दूसरा फंक्शन है, यानी ई का पावर एक्स इंटू फंक्शन एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स, यही ना है फॉर्मूला, देखिए ई का पावर ई एक्स इंटू फंक्शन एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स के फॉर्म में है, यानी ये फंक्शन आपका दिया है तो दूसरा आपका फंक्शन जो है इसका डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है ई एक्स इंटू फंक्शन एफ एक्स, ठीक है। तो ई एक्स फंक्शन क्या है एफ, ये है, तो ई एक्स इंटू फंक्शन एफ एक्स, एंड एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। अब हम क्या कहें, देखिए ई एक्स अपॉन वन प्लस एक्स कर दिए प्लस सी कॉन्स्टेंट, अब कैंसिल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर इलेवन देखते हैं जो कि आपका लास्ट है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, आपने कमेंट करके पूछा था कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो देखिए बताते हैं हम। इफ देखिए आपका ये फंक्शन है, ठीक है, हमको k का वैल्यू मानना है, निकालना है, देन k इज इक्वल टू व्हाट, देखिए क्वेश्चन सॉल्यूशन लिख लीजिए, गिवन इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इतना, इक्वल टू इतना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं LHS, देखिए LHS आपका ये है, RHS ये है, LHS इज इक्वल टू दिस, हम क्या किए हैं 5x का पावर 7 को z मान लिए, देन इसका डिफ्रेंशिएशन किए हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा तो कॉन्स्टेंट, तो यही रह जाएगा, इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन x का पावर 7 का डिफरेंशिएशन 7 इंटू एक्स का पावर 6 डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड हो जाएगा, x का पावर 6 डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए 35 हो जाएगा ये, तो 1 अपॉन 35 डी जेड हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 1 अपॉन 35 डी जेड हो जाएगा, यानी x का पावर 6 डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 35 डी जेड, ठीक है, समझ गए कैसे। नाउ इंटीग्रेशन पे आइए, इंटीग्रेशन देखिए आपका ये है, साइन एक्स को पहले ले सकते हैं हम,
लिख दिए हैं और इसको पीछे लिखे हैं, तो साइन फाइव एक्स का पावर सेवन इंटू एक्स का पावर सिक्स डी एक्स आगे पीछे लिख दिए, ठीक है। अब तो इसको हम जेड माने तो साइन जेड हो जाएगा और एक्स का पावर सिक्स डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉइंट थर्टी फाइव डी जेड, ठीक है। इतना हो जाएगा तो वन अपॉइंट थर्टी फाइव लिख दिए, कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, बचा आपका साइन जेड डी जेड, ठीक है। तो इसका साइन जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस जेड, तो माइनस वन अपॉइंट थर्टी फाइव कॉस जेड हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या किए हैं, कॉस जेड का वैल्यू जेड इजल का वैल्यू पुट किए हैं, तो माइनस वन अपॉइंट थर्टी फाइव कॉस जेड इजल टू क्या फाइव इंटू एक्स का पावर सेवन इतना। अब देखिए क्योंकि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस इसलिए हमने इसका कोएफिशिएंट को भी इक्वेट कर दिया है, ठीक है। देखिए एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस है तो कोएफिशिएंट भी इक्वल होगा ना, तो इसका देखिए कोएफिशिएंट एल एच एस ये है आर एच एस ये है, तो कोएफिशिएंट इसका क्या है माइनस वन पॉइंट थर्टी फाइव, इसका कोएफिशिएंट के बाई फाइव, तो के बाई फाइव इज इक्वल टू माइनस वन बाई थर्टी फाइव। अब देखिए ये डिवाइड में दे रहेगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई में हो गया कटेगा हो जाएगा माइनस वन अपॉइंट सेवन, ठीक है। यानी के का वैल्यू हो गया आपका माइनस वन बाई सेवन, ठीक है। तो ये है आपका इलेवन का डी, ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो, अपने दोस्तों को शेयर जोड़ दीजिए।